इतनी बड़ी महिमा अहोरात्रोपभाषेन पूजिए ददस्तु भाष्करम् सप्तम्याम अथ षष्टाम्याम च सूर्यलोकम च गच्छति। इसके अध्याय नंबर 38 में जाकर के यह श्लोक है और इसमें वर्णन किया गया है कि मृत्यु लोक, मृत्यु के तत्पश्चात यह लोक सीधे सूर्य लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। सूर्य लोक जाने के लिए ग्रंथों में दो की बात बताई गई है, एक है सन्यासी और एक है किसी राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वाला वह जवान जो सीमा पर खड़ा होकर देश के लिए लड़ता लड़ता मौत को प्राप्त हो गया, उसके लिए भी गरुण पुराण के अंतर्गत लिखा है वो सूर्य लोक के लिए प्रस्थान करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जवान की मृत्यु पर उसके घर के लोगों को रुदन नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि धन्य है वह दुग्ध, धन्य है वह हृदय, वह छाती जिसने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया जिस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ता लड़ता अपना जीवन समर्पित करके चला गया। जो सन्यासी को मृत्यु मिलती है, जो मोक्ष मिलता है, गरुण पुराण में लिखा है वही मुक्ति उस जवान को मिलती है, वो भी सूर्य लोक का भेदन करता है। और इस ग्रंथ में साम्य पुराण में लिखा है जो ये छठ माता का जो व्रत करते हैं, छठ पूजा जो करते हैं, लिखा है सप्तम्यात षष्टम्याम च सूर्य लोकम स गच्छति, वह लोग भी मृत्यु के तत्पश्चात सूर्य लोक के ही लिए प्रस्थान करते हैं। सूर्य लोक में तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी, कोई बहुत बड़ा साधक वहां पहुंचता है, पर वहां उसके लिए निर्णय किए जाते हैं कि नारायण के भवन में इसको जाना है कि महादेव के पास जाना है, कितने समय तक यह भगवान का यहां पार्षद बन करके रहेगा, यहां देवलोक में कितने समय तक यह रहेगा, पूरा का पूरा उसका पूरा वही निर्णय होता है सूर्यलोक है।